हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड ट्रैली, फूड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। दिस इज़ अनदर वीकेंड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोरोना बहुत ही स्प्रेड हो रहा है चारों तरफ। एंड स्टे होम, स्टे पॉजिटिव एंड फॉलो द कोविड गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। बाहर मत निकलो, रियली नॉट नेसेसरी। राइट, गवर्नमेंट का जो भी रूल है हर स्टेट के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। प्लान था कि इस वीकेंड हम कुछ प्लांट्स वगैरह लाने के लिए जाएंगे, बट फ्लॉप हो गया फिर से, क्योंकि इफ इट इज नॉट नेसेसरी नो पॉइंट ऑफ गोइंग आउट। बाहर जाना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो घर में जो जो ग्रोसरी या फूड आइटम जो चाहिए था घर पे रखे रखो। वैसे भी आज वीकेंड लॉकडाउन है तो वैसे भी जा नहीं सकते। और अगर आप बाहर जा रहे हो, इट्स रियली नेसेसरी, तो बेटर कि पूरा वीक के लिए खरीद के लेके आ जाओ, फॉर लॉन्गर पीरियड, सो मल्टीपल टाइम्स जाने की जरूरत ना पड़े। बट एनीवे, ऑल दिस कोविड लाइन्स न्यूज में भी वही चल रहा है, हम भी वही स्टार्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं सोचा कि तो अभी करने के लिए और कुछ है नहीं, तो अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। तो आज हमने सोचा है कि गोभी पराठा बनाएंगे, तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी सिर्फ बनाना बाकी है, आपको दिखाते हैं। ये रहा आटा, गूंद चुका है और ये स्टफिंग के लिए गोभी, श्रेडेड गोभी जो थोड़ा सा फ्राई भी हो चुका है, पक चुका है, और ये अभी बनेगा इस पर और इसको सीधा डालेंगे तवा पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, पराठा कर सब कुछ रेडी और अभी चलेंगे डाइनिंग टेबल पर। पराठा रेडी हो गया है, इसको हमने फोटो के लिए काटा था, बट दैट्स ओके। अब देखते हैं टेस्टिंग टाइम कैसा लग रहा है। ये लिया पराठा, दही में डुबाया, वाह। हमेशा अकेले खा लेता है, पहले फर्स्ट बाइट वाइफ को देना चाहिए। ये हमेशा कहती है कि पहले खाओ खाओ, कैसा बना बताओ, तो मैं खुद खाऊंगा तभी तो बताऊंगा, है कि नहीं। ये वाला मैं तुम्हारे लिए बनाई थी स्पेशली, बट ऊपर से थोड़ा ग्रीन चिली, वाह वाह, ये मना। वीकेंड को दोनों वही बोलने वाले थे, वीकेंड में ऐसे होना चाहिए। वीकेंड को कुछ भी स्पेशल बन जाए ना, तो मतलब मजा दुगना हो जाता है एकदम। वीकेंड वीकेंड जैसा थोड़ा फील होता है। बढ़िया बना एकदम। बहुत टाइम के बाद बना है। बहुत दिनों के बाद। लास्ट टाइम हमने पनीर पराठा बनाया था। नहीं, गोभी या आलू नहीं बना था। पनीर पराठा रेगुलर है क्योंकि उसमें उतना कुछ तामझाम नहीं है ना, पनीर ब्रेड करो और हो गया। हाँ, गोभी को थोड़ा कुक करना पड़ता है पहले, थोड़ा टाइम लगता है। बढ़िया है। आपको अगर रेसिपी अच्छा लगा तो आप भी ट्राई कीजिए गोभी पराठा बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक है चिकन ब्रेस्ट और ये है नमक, और इसमें मैं डालने वाला हूँ आधा कटा हुआ नींबू का रस। ये जो मैरिनेशन अभी मैं बना रहा हूँ ये शाम के लिए है, वहाँ रश्मिता ने कहा कि एक आइटम बनाएंगे शाम को, तो उसके लिए ही ये प्रिपरेशन है। तो ये एक मैरिनेशन बना के हम रख देंगे ताकि ये शाम तक अच्छी तरह से ये नमक और नींबू के साथ ये गल जाए। और ये आइटम कौन सा है, क्या है, ये तो मुझे भी पता नहीं, ये उसका आइडिया है, तो देखते हैं क्या बनने वाला है। दोस्तों, अभी जिस चीज़ का इंतज़ार था आप देख सकते हैं, पीछे एकदम खतरनाक बारिश हो रही है,
और बहुत ही अच्छा लगा। पोपट भी हो गया, हम लोग सोच रहे थे कि आज कहीं तो जाना नहीं है, बाहर बालकनी में बैठेंगे, कुछ खाएंगे, इवनिंग का स्नैक्स। इट्स ओके, अभी भी बैठ सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो नहीं बैठ सकते। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा भी है। अगर हवा नहीं हो रही हो तो अच्छा लगेगा क्योंकि पानी अंदर नहीं आएगा, बट फिलहाल ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पीछे वाला कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे कितने सारे पेड़ थे, अभी कंस्ट्रक्शन के चक्कर में सब काट, और धूप भी हो रही थी ना इसीलिए। बहुत ही अच्छा चाय बनकर रेडी है और मैं पी रहा हूँ। आज शाम का कुछ चिकन का आइटम बनने वाला है और हम बाहर सेटअप डालने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसे जाता है। नहीं ऐसे कुछ सीक्रेट नहीं है, मैं जनरली आर&डी करती रहती हूँ कुछ कुछ खाने में, तो इसका कुछ नाम है नहीं, तो हम एट द एंड कुछ एक नाम दे देंगे जो अच्छा शेप एंड साइज देख के जो अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं तो अपना सिप लिए जा रहा है, ले रहा मस्त चाय। ठीक है, ये चिकन अभी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है एंड आफ्टर दैट इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वो कुक हो गया था तवे पे, अभी उसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं वो अभी रेडी कर लिया हमने, तो उसको शेड करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसका जो आइटम बनेगा उसके लिए प्रिपरेशन बनाने वाले हैं। तो लेट्स देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, तो एक ब्रेड लेके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना देंगे। चिकन को अच्छे से श्रेड करने के बाद इसमें जाएगा एक ऑनियन, पेरी पेरी मिक्स, जिंजर गार्लिक पाउडर, थोड़ा क्रश ब्लैक पेपर, देन हम एक अंडे को ब्रेक करके इसमें डालेंगे, थोड़ा सा बाद के लिए कोट करने के लिए। देन जाएगा थोड़ा ब्रेड क्रम्स, देन चाहिए होगा तो बाद में डालेंगे। कॉर्नफ्लोर सॉल्ट मुझे नहीं लग रहा है चाहिए, एज पर योर टेस्ट आपको डालना है। मिक्सिंग मिक्सिंग, इसको ऐसे छोटे छोटे बना देंगे, आप अपने हिसाब से शेप एंड साइज दे सकते हो। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं एकदम प्रिपरेशन रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए बिठा लिया है। एक पैन में वो जो स्वीट पोटैटो वो फ्राई होगा और दूसरे यहाँ पर जो तेल की कढ़ाई है इसके अंदर ये जो चिकन का जो है क्या बोलते हैं इसको कटलेट टाइप वो फ्राई होने वाला है। तो ये है आज शाम का स्पेशल खाना, तो हम एंजॉय करेंगे, लेट्स सी। गया स्वीट पोटैटो इसके अंदर, बटर स्वीट पोटैटो जो बॉईल किया गया था उसका ऊपर ब्लैक पेपर क्रश्ड, नमक
हल्का सा बैलेंस टेस्ट, और ये गया तेल के अंदर कटलेट। तेल एकदम गर्म हो चुका है इसलिए बंद कर दिया गया था, अभी फिर से ऑन करके अब इसमें डालेंगे। ये हो गया चिकन कटलेट रेडी, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। दोस्तों खाना रेडी है, हम आ गए हमारे बालकनी में, ये है हमारा बालकनी का सेटअप। इवनिंग ऐसे हम एंजॉय करने वाले, आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज द लिटिल व्हाट वी कैन डू। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन तो नहीं, मतलब वीकेंड, क्या वीकेंड शटडाउन, वीकेंड कर्फ्यू। हाँ, वीकेंड कर्फ्यू, बाहर तो जा नहीं सकते, ऐसे ही खुद को पैम्पर करते हैं। और वेट कीजिए टिल द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय योर वीकेंड।